जौनपुर जिला जेल में प्रशासनिक और पुलिस महकमे के आला अफसरों ने औचक छापेमारी की, जिससे जिला जेल में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान कारागार परिसर से कई मोबाइल फोन, शराब की बोतलें और गांजा बरामद हुआ। आपको बता दें कि 7 जुलाई को जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी और SP विपिन मिश्रा टीम के साथ अचानक जेल पहुंचे थे। बैरक में काफी देर छापेमारी के बाद वापस जाने लगे तो जेलर संजय सिंह के कार्यालय में चले गए। ये काफी अप्रत्याशित था क्योंकि अधिकारियों के कार्यालय की कभी जांच नहीं होती थी। जेलर के कार्यालय में जांच हुई तो एक के बाद एक आपत्तिजनक चीजें मिलनी शुरू हो गई। अलमारी के अंदर से भी शराब की बोतलें बरामद हुई, साथ ही कई मोबाइल फोन, कैश, सिगरेट सहित प्रतिबंधित चीजें भी बरामद की गई। वहीं DM के पूछने पर जेलर साहब ठीक से जवाब नहीं दे सके। जिला प्रशासन को इस बात का शक है कि जेलर की मिलीभगत से जेल में ऐशो आराम की सभी चीजें कैदियों को मुहैया कराई जाती हैं। आज जनपद जौनपुर का एक जेल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जिला के पुलिसकर्मी थे, महिला पुलिसकर्मी थे, उनके साथ आज जेल का पूरा A to Z चेकिंग किया गया। लगभग जो मिलने आते उन लोगों के, उनसे लेके हर कोई जेल का जो ऑफिस है, बैरक है, सब कुछ चेक किया गया। तो चेकिंग के दौरान कुछ प्रतिबंधित चीज़ें मिली है, उसकी इन्वेंट्री चल रही है इसका। और उसके बाद जो चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित मिली है, उनसे जो भी ऑफिसर्स जो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनसे जवाब मांगी गई, स्पष्टीकरण मांगा गया। उसके अतिरिक्त जो भी आज का जो कार्रवाई है उसको प्रशासन को अवगत कराया जाए। हालांकि ये खुफिया वीडियो कई दिनों के बाद वायरल हुआ है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन किस कार्रवाई से अधिकारी भी सकते में हैं कि आखिर ये वीडियो कैसे मीडिया तक पहुंच गया। हालांकि छापेमारी वाले दिन DM ने जेल के बाहर बैरकों के अलावा जेलर के रूम से मिली चीजों के बारे में उस दिन बता दिया था। पंजाब केसरी TV के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।